सदा सत सुख के दातार, विनती एक जो वल्भा मो अंगना की अविधार। मानी मेरे पियो की न्यारे जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना है विचार, ए सतवानी मत के लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नार। जब ए सुख अंग में आवई तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरा तीत भरतार। निज नाम श्री प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साहब जी, प्यारे साथियों, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी द्वारा आयोजित जूम ऑनलाइन शिविर का तीसरा दिन है और बहुत खुशी की बात है, जो भी शिविरार्थी नियमित रूप से ज्वाइन कर रहे हैं, धन धनी की अपार कृपा सरकार श्री जी की अपार मेहर हम सब पर है। तो आज की सभा जो है शुरू करने से पहले मैं अपेक्षा जी से वंदना कायम करने के लिए निवेदन करूंगा। अपेक्षा जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदना से शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम चलते जहां, मैं तेरी या बाह ग्रही की ना, या बाह ग्रही की ना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों, आज तीसरा दिन है। पहले दिन हमने मनुष्य तन का महत्व और आज के भौतिकवाद में हमें कैसे
स्वस्थ और सुखी रहना इस विषय में जाना था। दूसरे दिन हमने श्री देवचंद जी की जिज्ञासा से लेकर खोज करते हुए तारतम किस प्रकार प्राप्त हुआ वो हमने सुना था। आज हम 17 को आते तारतम वाणी तारतम ज्ञान जो अवतरित हुआ उस तारतम ज्ञान का महत्व विषय लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रथम आदरणीय रजनीश जी आप सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय श्री रजनीश जी बोलो। श्री प्राणनाथ प्यार की श्री सदगुरु महाराज की प्राणों पर आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी सर्वप्रथम उपस्थित सभी सुंदर साहब श्री युगल स्वरूप जी में को प्रणाम। लेने से पहले मैं समस्त सुंदर जो ऑनलाइन शिविर अटेंड कर रहे हैं एक बात कहना बहुत जरूरी समझूंगा। बेशक आप ऑनलाइन बैठे हैं अब बैठे हैं क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है इसलिए कार्य के उसी मर्यादा बड़े अदब से ज्ञान को बताना है। कल सुंदर साहब उसी पोस्टर में बैठे थे लेकिन कुछ पांव पे पांव रख के कुछ ले कोई लेके कोई कैसे भी बैठे ये ब्रह्म ज्ञान इस ढंग से प्राप्त नहीं होता। कुछ धर्म की कुछ मर्यादा होती है कुछ नियम होते हैं। तो सुंदर साधना है अपने चित्त को धनी के चरणों में लेकर के जाइए। राखिये मूल मिलावे माहे श्याम समाधि हम बैठे हैं जहां अगर मूल मिलावे का ध्यान में नहीं आता मूल मिलावा नहीं चला है तो जिस अकबर के चरणों में रह करके हमने तारतम ज्ञान ग्रहण किया है उनके चरणों का ध्यान करके अपने मन को एकाग्र कीजिए अपने सुरता को बांधिए और सिद्धम ज्ञान ग्रहण कीजिए। इस मूल को हमने खाली के रूप में नहीं लेना है अब हृदय में धार करना है आनंद करना है चित्त के चित्वन से विवेचना और अहंकारे होकर इस ज्ञान को लेना है। ये ज्ञान वो ब्रह्म ज्ञान है जो हमारे हृदय की सब जिज्ञासाओं को शांत करता है वो रस पिला के नाम को नहीं जान सकी धाम को नहीं जान सकी उसकी लीला को नहीं जान सकी तो आज हमें घरों बैठे वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो आज का विषय लेने से पहले जैसा कि सुशांत जी ने कहा कि पहले दिन क्या चला कि ये जो ज्ञान है मानव देह अखंड फल पाइए कि मानव देह से ही प्राप्त किया जा सकता है इसलिए हमें समय को व्यर्थ नहीं करना है क्योंकि ये जो समय मिला है बहुत कीमती है। फिर जो चार पदार्थ मिले हैं ब्रह्म ज्ञान तो मिला ही है लेकिन कहाँ मिला है भक्तखंड के अंदर वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार कौन से चार पदार्थ एक भरत खंड 28वां कलयुग ब्रह्म ज्ञान और अक्षतातीत सिद्धार्थ मानव देह मिली है और जिस मानव देह से ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किसने किया और किस तरह सुंदर साथ के हृदय में समाहित किया कल चला श्री देवचंद्र जी जब 14 वर्ष भागवत सुनी तो उसके पश्चात जो उनके मन में 3 प्रश्न थे मैं कौन और कहां से आया हूं और मेरा भरतार कौन है पिछला लिंक लेते हुए फिर तातम ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रगट वाणी के अंदर जो कही आती है रास खेलते उमेदा रही अतीत पहली बात सुनिए हमें हम अपने आप को क्या समझते हैं हम क्या हम ये समझते हैं कि हम रूह हैं ब्रह्म सृष्टि हैं
परम धाम में श्री राजी के चरणों में निवास करते हैं, वहीं उनके चरणों में आनंद लेती थी और खेल में हम आ गए। और खेल में आए क्यों, ये कारण भी पहले दिन चला कि धनी ने अपने दिल की मार्फत देने के लिए, रूहों को आप माफक करने के लिए, क्योंकि रूहें बेनियाज थी बीच दरगाह 12,000, ना खुद को जानती है, धनी को जानती है, ना लीला को पहचानती है, ना उनकी साहिबी को जानती है, यानी हर चीज से बेनियाज है, क्योंकि वो इष्ट के साम्राज्य के अंदर, इष्ट के अंदर सारा बोर है। धनी आप माफक करने के लिए, अपने दिल की मार्फत देने के लिए, पूर्ण सुख देने के लिए ये खेल दिखाया और कारण बना दिया इष्ट रब्द का, क्योंकि वह है ही इष्ट इष्ट, और यहाँ माया है तो माया के रब्द है, और परम धाम के अंदर इष्ट ही इष्ट है, तो इष्ट रब्द का कारण बताकर सुरता को इस खेल के अंदर फिरा दिया। अब सुरता खेल के अंदर है, अपने आप को बैठे का है, परम धाम के अंदर ही बैठे हैं। कैसे देखा, जो जो नींद में देखिए स्वप्न, क्यों उपजे हम ब्रिज वधु जन, सबसे पहले कहां पहुंचे, ब्रिज के अंदर। जैसे नींद में स्वप्न देखते हैं अपने आप को, एक और तन में जाकर कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, इस तरह पहले ब्रिज देखा, फिर रात देखी, उसके पश्चात जागने का ब्रह्मांड, जिसके अंदर रात खेलने के, रात खेलते हुए प्रकाश हिंदुस्तानी के अंदर प्रकरण आता है, कछु इनविद की और रात खेल फिरे घर, खेल देखन के कारण आइया उमेंदा कर, उमेंदा न आइया पूर्ण आख मन में रही। तो प्रगट वाणी के अंदर जो कल अली बहन जी ने विस्तार से बताया शॉर्ट में, क्योंकि वाणी आधार है, वाणी प्रमाण देती है, प्रगट वाणी के अंदर एक चौथी है, रात खेल पे उमेंदा रहिया पित्त सूरत आई श्यामा जी की सार, बत्तु मेहता घर अवतार, उमर भाई मातु नाम उत्तम कायस उमर कोट गाम, आए श्री देव चंद्र जी नौकरपुरी, सुख सबों को देने दे धरी। ये जो लास्ट वही का चैट बोला है ना, उसको बड़े ध्यान से सुनना है, सुख सबों को दे धरी। सुख किसको देना है, क्योंकि परम धाम के अंदर क्या बात, जब रद्द हुआ धनी ने मना किया, बेर 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 हम मांगिया फेर फेर फेर, धनी ने पहले कम अपनी रूह को जो दे धरती तुम माफक, जिसी बिद बिद की निशानियां पर तुम चीन ना सकोगे हक, हक की पहचान नहीं करूंगा मैं, सब निशाना दूंगा, सब ज्ञान भेजूंगा, और हमारे आने से पहले धनी ने ज्ञान भेज दिया, सब शास्त्रों के अंदर ग्रंथों के अंदर हुक्म वेद कतेब में लाखों लिख, सूरत जो महाराज ठाकुर का तन इंद्रावती जी की आत्म के हृदय में, वो सारी वाणी दे करके वो सारा खजाना खोल दिया। पहले ज्ञान आया, फिर तारतन कुंजी आई, फिर इंद्रावती जी की हृदय में बैठ करके वो सारा ज्ञान खोल दिया। और ये किया किस वास्ते, श्री मुख वाणी के अंदर चौपाई आती है, हक्के निस्मत वास्ते बंद बांधे माहे खेल, सब सुख दे दे निस्बत को। निस्बत किससे है, श्यामा जी और रूहें, उनको सुख देने के वास्ते, सुख सब सुख देने निस्बत को, तीन बेर आए माहे लैल, पहले ब्रिज के अंदर आए, फिर रात में, और उसके बाद ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड अव्वल दिखाया लैल में, पहले ब्रिज के अंदर निस्बत जान इश्क, दूसरी बेर दिखाया गुज इश्क मुतलक, पहले प्रेम की लीला करी ब्रिज के अंदर, फिर रात के अंदर अक्षर को घर की, क्योंकि तो रूहों ने क्या मांगा था, अक्षर का खेल, और अक्षर गम ने क्या मांगा था, इष्ट की लीला की शुद्ध की निज स्वरूप धाम की लीला क्या है, धनी से ये मांग करी थी। तो दूसरी रात के अंदर दूसरी बेद आया इष्ट मतलब वास्ते निष्ठ,
रूह के वास्ते, निस्बत के वास्ते, दे तीसरी क्या खेल दिखाया हक, हक आप अरस में अरवाहों को खेल मेहर का दिखावत। मेहर के स्वरूप होकर के बैठ करके कोई दुख का खेल नहीं दिखाया, अपने दिल के सुख देने के वास्ते, अपने हक, अपने दिल की मार्फत देने के वास्ते, पूर्ण न्यामत देने के वास्ते, परम धाम की पूर्ण देख्या कुछ बकाता बेशक। इस वाणी से जो तारतम ज्ञान लेकर के आए, तारतम ज्ञान को छह चौपाइयां नहीं है, तारतम ज्ञान है 18,758 जो श्री मुख वाणी श्री कुलजन सूक्त ग्रंथ है, वो वास्तव में हमारे हक के दिल की, ये हक के दिल का गुज है, हक के दिल की पहचान है। उस वाणी से वो रस मिलता है जिससे हमारी सुरता परम धाम के अंदर विहार करती है, उन लीलाओं का अनुभव करती है। तो तारतम का महत्व क्या है जो देवचंद्र जी को कौन पहचान करा रहा है, हक के दिया दीदार, हक स्वयं अवेश रूप से उनको पहचान, उनके जो तीन प्रश्न थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा भरतार कौन है, तो प्रश्न पूछा। 14 साल भागवत भी सुनी, कितने ज्ञान सुनिए, कई कसौटी करी दुल्हन देवचंद्र, जिनके अंदर श्यामा जी है, सुंदरबाई की आत्म, कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम संयन, कितने धर्मों में गए, पंथ पैंडों में गए, लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब कोई नहीं दे सकता, स्वयं धनी ने आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दिया और पूछा, लेकिन वो जवाब दे नहीं पाए। तो तारतम इन समय तारतम की समझन क्यों कर कहिए, सोए जी अनेक विद का तारतम इन घर लीला प्रगट होए जी। तारतम वो रस है, वो वेद का रस है जिससे धनी के प्रेम का रस प्राप्त होता है, माया के जहर को उतारता है। इस समय सुरता क्या देख रही है, माया। अगर तारतम ज्ञान ना आता, धनी तारतम कुंजी ना लेके आते, जो ज्ञान लेके आए थे उसको कौन खोलता। तो तारतम कुंजी से जो ज्ञान कुरान के रूप में लेके आए थे उसको खोला, और इंद्रावती जी के हृदय में विस्तार करके हमें वो सब सुख दिए। तो श्री मुखवाणी ने क्या कहा है, तारतम रस बेहद का सब जाहिर किया, तारतम रस बेहद का सब जाहिर किया, बहुत विद सुख साथ को खेल देखते दिया, खेल दिखा करके अपने हक के दिल की मार्फत दी, पूर्ण सुख दिए। तारतम रस इसलिए क्योंकि ये माया के जहर को उतार देता है, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए जिमी का सुख होवे ताको। राम दिल बनाकर के यमन होकर के वाणी का विस्तार किया, तो साक्षात सूक्ष्म इंद्रावती तारतम को अपना होसी अलग के निर्धार स्वरूपान। इसमें तम में उजा जो तत्पन होती दिल में विस्तार के भी को कोई नहीं, मूल रूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप, तारतम मात्र छुपाइया ही नहीं है। जो नाम शिवजी साहेब जी आए और नंदर को श्रेष्ठा की कतार, हम इसको खाली ये आप ना समझे,
श्री इंद्रावती जी के मुखार बिंद से जो श्री मुखवाणी प्रकट हुई, इंद्रावती जी के धाम में दिल में बैठ करके धनी ने जो सुंदर सास को सुख देने के वास्ते वो प्रेम का रस पिलाने के लिए अपने दिल की मां ने किए जो विचार किया 18,758 चौपाइयों के जो मूल पार्थम अर्थात अंदर जो चौपाइया समाहित है वो क्या हमें ज्ञान देती है, निराकार से परे का भूमिका खड़ का राम से परे घर के अंदर के पूर्ण लीला का वो सब अनुभव कर ये वाणी इंद्रावती जी के धाम जैसे विस्तार हुआ तो इसका मतलब हमारा आधार क्या है, श्रीमुख वाणी। ज्ञान किसमें है, हथे इन इलम में, किसमें बैठे धनी, इस इलम में बैठे हैं, क्या है ये तो खोखा है मिथ्या है, ये पांच तत्व का तन है तो ये है ही कुछ नहीं, देखने में ये लग रहा है लेकिन वास्तव में स्वप्न के अंदर जैसे हम स्वप्न देखते हैं बिस्तर पर सोते हैं स्वप्न देखते हैं स्वप्न के अंदर एक और तन बन जाता है वो सारी मत है, स्वप्न वाले को कुछ पता नहीं है तो वो ये समझता है मैं ही असल हूँ, वास्तव में उसका असल क्या होता है जो बिस्तर पर सो रहा होता है, तो स्वप्न भीतर से उत्पन्न होता है और एक तन और धारण कर लेता है, ऐसे हम धनी के चरणों में बैठे हैं कहा मूल मिलावट किस प्रकार तेल को देख रहे हैं के चरणों में बैठ करके मूल मिलावा में धनी अपनी अंगनाओं को क्या देना चाहते हैं, ये तारतम ज्ञान क्यों आया, ये वाणी क्यों आई, इससे किस किस को लाभ होगा, इसका महत्व क्या है, ब्रह्म सृष्टि को सुख घर का, ईश्वरी को देनी शुद्ध और मुक्त करना ब्रह्मांड को, धनी जी लाए जागृत बुद्ध, के जागृत बुद्ध का ज्ञान जो तारतम वाणी के रूप में विस्तृत हुआ, इलम से किस सुख मिलना है, ब्रह्म सृष्टि को घर का सुख मिलना है, आम के अंदर की लज्जत मिली है और ईश्वरी को शुद्ध मिलनी है, इस ज्ञान से अक्षर ब्रह्म परम धाम की जिस लीला की मांग थी, फरामोश कौन है, रूहें भी फरामोश हैं, अक्षर ब्रह्म भी फरामोश है, श्यामा जी भी फरामोश हैं, धनी जागृत है और जो फरामोश हैं जिनकी सुरता को फिरा दिया, फरामोश है उनकी सुरता ही खेल के अंदर है, धनी कहा है जागृत होकर परम धाम में बैठे हैं, खेल के अंदर किस कैसे आ गए, ये बातें मूल समझने वाली है, यही ब्रह्म अगर जो जाता है जागृत होता है अंदर नहीं होता खुश हो जाता है वो उसके अंदर चला जाता है, हाँ उन्हें खुश है श्यामा है और शब्दम खामोश है जिस सुरता को खेल के अंदर डाल, धनी जागृत है, धनी मैं तो सुन ये तुम बैठे हो जागृत खेल मेर का दिखावत, वो दिखावा नहा रहे हैं हम देखन हार रहे हैं हम खेल देख रहे हैं, हमारी सुरत खेल के अंदर है, अब जिसको कहते हैं कि अक्षातीत अक्षातीत का आना इस संसार के अंदर लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारे मन में संशय होता है अगर धनी जागृत है वो स्वप्न नहीं देख रहे तो फिर धनी कैसे आ गए, मन में भी प्रश्न खड़ा हो सकता है, वास्तव में जो तक का ज्ञान हो जाता है, हम कोई काम करते हैं काम कर नहीं करते सो गए या जैसा काम करते हैं वैसा जब स्वप्न स्वप्न के अंदर वैसा ही कार्य करने लगते हैं वैसी बातें करने लगते हैं, और इसका मतलब जो जागृत में ज्ञान था वो स्वप्न के अंदर चला जाता है, तो इसी तरह ज्ञान स्वरूप से धनी स्वप्न में आ गए इलम स्वरूप आ गए और हमें अक्षरित धाम धनी श्री राजबार ने इलम स्वरूप में होकर के आकर के मिले और वाणी
किसको जागृत कर रही है? यही धनी की हिकमत है। हक की हिकमत क्या है कि वहां बैठे बैठे खेल दिखा दिया, स्वप्न के अंदर हमारी सुरता को फिरा दिया और स्वप्न के अंदर स्वयं इलम स्वरूप से आकर के हमें जागृत कर रहे हैं। नूर मंत्र आदेश निधि तारतम वाणी तारतम, तो ये ज्ञान ऐसा है और जिसको पाने के उपरांत हमारी सुरता कहां विहार करती है। हक इलम से देखिए अस धाम, हम कैसे करते परम धाम के चरणों में धूम से हम क्या देख रहे हैं, इस खेल को देख रहे हैं, यानी इलम से स्व जागृत करके और एक ही कर्ण को जिसको हम सदगुरु कहते हैं उसको धार करके आयुष्य स्वरूप से ये वाणे का रख रहे हैं। तो हमें इस वाक ग्रहण करना है, किस प्रकार ग्रहण करना है, तो इंद्र ने प्रतिज्ञावाई ये सत्य के मैं जो सार ऐसे सांप के तौर पे समझिए, जैसे स्वप्न वाला कोई नहीं, हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न के अंदर जो भी काम चलता है स्वप्न ना हो जाते उठते हैं, तो जितनी बातें करी थी जो लीला करी थी वो किसके हृदय में, तो सोता है। धनी ने अपने अर्थ की लज्जत देनी है, शुद्ध देनी है, तो इस जो वाणी स्वप्न के अंदर हमें इंद्रावती जी के धाम दिल से मिली, जिससे तारतम का तारतम जो विस्तार हुआ, उस वाणी को ग्रहण करके आप जो श्री मुख कहती है के जो इनको इसका मन के सार को ग्रहण करना है, ले जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख, क्या सुख है, परम धाम के सुख है, सत सुख, यहाँ के क्षणिक सुख नहीं है, माया के सुख नहीं है। धनी ने क्या मेहर करिए, ये हमें वाणी दे करके हमें हमारी सुरता को फिरा दिया। अब मंथन कौन कर रहा है, जिस तल को, वो तल मूल तल जो अक्षातीत के चरणों तले बैठे हैं, उनकी सुरता किसको देख रही है, इस देख रही है, वो इंद्र के जुड़ा है, क्या है करने, ये तल इसको सब मिले मिली और ये बैठ कर जैसे हम शिर अटैक कर रहे हैं, मंथन ये कर रहा है पर बिस्तर वाले का ओपन वाले के साथ है, ये सुखा तल है, मूल तल जो अक्षातीत के चरणों में वो तल इस तल को देख रहा है, तल ये कर रहा है कि वो बेल या इलम करके बेशक इलम देकर के ज्ञान करवा रहे हैं, मंथन ये कर रहा है और ये कितने अखंड हो रहा है ज्ञान उसके खंड हो रहा है, इसको भी मिल रहा है, ये इस ज्ञान से ये जीव अखंड हो जाएगा। ब्रह्म सृष्टि को सुख धरता के सुखम साहिब के तन जो धनी के चरण बैठे हैं, मूल तन जिसको पर आत्म कहते हैं, वहां बैठे हैं, का दिल से जुड़ा है, मन ये कर रहा है, ये इस ज्ञान को पाक से अखंड हो जाएगा और ये जो रूहें राजी चरणों में बैठी थी वो बेद याद थी, ये ज्ञान के हृदय में जा रहा है, वो चित्त चितवन कर रहा है, उनको ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि इष्ट की के अंदर धनी इलम दे नहीं सकती और इलम से इलम के बिना पहचान हो नहीं सकती, अब इलम कहां थे, तो सुरता को यहां फिरा दिया। सुख में सुख तो था लेकिन उसकी लज्जत नहीं थी, जैसे आदमी जब सुख में हो ना तो उसको सुख का एहसास नहीं होता, थोड़ा दुख दिखा दे तब सुख की लज्जत आती है। जैसे एक कवि ने नेत्र एक पोइम है, उसमें लिखा है नेत्र इज लिस्ट मोस्ट बाय पर्सन हु इज थर्स्टी एंड हु लॉन्ग्स फॉर इट, आंख का स्वाद पानी का आता है, दे सकता है जो बहुत
से आता हो, जो रेगिस्तान से होकर के आया हो, उसे पानी का स्वाद किसके समान लगता है? लज्जत। किस पानी की कैसे लगती है? अमृत के समान। तो इसी तरह परम धाम के अंदर जो रूहें आनंद में मग्न है, इष्ट में मग्न है, तो सुख में तो सुखदायन पर स्वाद ना आवत, ऊपर दुख आए सुख आवत, तो सो मेहर खोलत नजर। धनी ने उन आत्माओं को इन जीवों के दिलों के साथ जोड़ करके अपना ज्ञान इस खेल में दे करके और हिकमत के द्वारा सब सुंदर साथ को किस पे? वाणी में लगा करके, वाणी द्वारा ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान द्वारा पहचान दे करके सुंदर साहब को किसने मग्न कर दिया? इस वाणी ने। ये सत्यवाणी अभी किसका मंथन करना है? इस वाणी का। ये सत्यवाणी मत के ले जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ये सुख दो ब्रह्मशिष्ट को। हमने जो वो दूसरों को भी समझाना है, वास्तव में किसको मिला है? तो ब्रह्मशिष्ट जी के चरणों तले बैठी। हम ये भी कह देते हैं कि परम धाम हमने कॉल किया था, क्या मैं भूलू तो तू मुझे देना तो जुगाए, अगर तू भूली तो मैं देऊंगी तुम्हें बताए, ऐसा हमने कॉल किया था। लेकिन ये कॉल कब किया था? जब हम फरामोश नहीं थे। ये कब किए थे? जब हमने ये नहीं देखा कूदते अर्श में इसके तरह अपने के बल, उसने ये तब वायदे किया है। लेकिन ऐसे हाथों किसी से वायदा करके सो जाए, लेकिन स्वप्न के अंदर वो वायदा थोड़ी याद रहता है, भूल जाते हैं। और उसी प्रकार हम जब धनी ने स्वप्न दिखाया तो स्वप्न के अंदर सब वायदे भूल गए। जागृत कौन है? एक धनी। और हक बैठे इन इलम में, कोई ऐसी ना होती जो बिना इलम होवे होशियार, बिना इलम के, क्योंकि ज्ञान ही मार्गदर्शक है। ज्ञान के बिना उसकी पहचान नहीं और पहचान तो उसको पाया नहीं जाता। इसलिए हमने इस वाणी का मंथन करना है, मनन करना है, क्योंकि इसके अंदर सब सुख है। ए सुख देव ब्रह्मशिष्ट, उसको भी लज्जत आएगी और वास्तव में यू भी इस वाणी को ग्रहण करके अधिकारी हो तो मैं ए सुख जो वाणी में सुख दी, जब ए सुख अंग में आई तब छूट जा उसका उस मूल तंग उसको जाएगी वाणी। ये सब सुख हृदय के अंदर आए तो इसके मन कार भी मिट जाते हैं, उसका मूल तंग का जो विकार क्या है फरमोशी वो भी मिट जाएगा। आयो आनंद सर को अक्षा अच्छा थी आनंद प्राप्त होगा। खत्म धनी लेकर के हमारे लिए तेज चंद्र जी के तन में ज्ञान आए और सीतावती जी के धाम ऐसे श्यामा जी ने सारा ज्ञान परम धाम का खो दिया। अब हमने इस धनी को ग्रहण करा है हृदय से, हमने कोई ज्ञानी नहीं बनना, धारण है कि हम क्या याद कर रहे हैं, इसलिए दिए जाते हैं। जिस प्रकार चल करके दशा ने जिन करके इस ज्ञान को ग्रहण किया, हमें तो बड़ी आसानी हो गया, हमने उस ज्ञान को हृदय में धारण करना है, त्यौहार में लाना है। सेवा पूजा सीखेंगे तो इसका मतलब ये खाली सीखना ही नहीं है, सेवा पूजा या ऐसे होती है, सेवा पूजा करनी है, वाणी को मंथन करना है और करके उसका चिंतन करना है। तो सरकार साहब करते थे वाणी मंथन रचित कोई अल्प में, तो इसलिए सुंदर चार की अब आगे का शिशु शांत से प्रार्थना करूंगा कि उसे बता तो संबोधित करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ श्यारे की जय। अपेक्षा जी एक दो चौपाई गायन करेंगी।
सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अपेक्षा जी प्रणाम जी। बोले रे प्राणनाथ प्यारे की जय। जय श्री सीता प्रबोधपुरी हब साम मध्य उत्तरी शुरु सुरु पहला मोह जलने का हुआ सीता दुख रोती दिन रात दामन बलि कई भात तेरी केतली कहूं विख्यात विश्व ने लागे जाने माया सीता नहीं समाप्त कृपा करो छाम चेतनी सिखामण देओ छाते घणी लो छो हमारी साथ तो मोह उतरशुमार मोह जल परे की जय। बोलो श्री की जय। ब्रह्म ज्ञान के विषय में आपने अदानी जी से महिमा कि वह ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्मवाणी। लक्ष्मी जी सात कल्पांत तपस्या करती हैं तो भी उनको सुनने नहीं मिल पाया जैसा आपने सुना अभी। तब हम सब सुंदर साथ हैं। ब्रह्मवाणी एक ऐसी नियामत है और अध्यात्म जगत ऐसा समझिए कि ऐसी दुकान है जहाँ पर पहले अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। हम भाई गुरु को दिन आप हो त्याग हो और आप चाहें कि ब्रह्मवाणी के रहस्य को जान जाएं, राज्य के सुखों को प्राप्त कर ले, ऐसा संभव नहीं हो पाता जनरली। इसलिए वाणी में कहा गया है न कछु इन सेवा समान जो दिल संकुल करे पहचान। सेवा जैसा संसार में कुछ भी अनमोल पदार्थ नहीं है जो राज्य का सुख प्रदान कर सकता है हमको। तुम प्रेम सेवाए पामसो ए वचन धनी के कहे धार। इन सेवा समान जो दिल संकुल करे पहचान। प्रेम पूर्ण सेवा से ही हम भव से पार हो सकते हैं या आत्मिक सुख को निज सुख को प्राप्त कर सकते हैं, धन धनी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मवाणी हो या चितवनी हो दोनों का आधार है सेवा। सेवा के बिना न ब्रह्मवाणी के रहस्य खुलते हैं और न ही राज्य का ध्यान या दर्शन प्राप्त हो सकता है। हमने अभी तक देखा श्री देवचंद जी ने किस प्रकार इतना कष्ट उठाया तब जाकर के साल की उम्र में धामधनी का दर्शन प्राप्त हुआ। किसी प्रकार श्री महाराज ठाकुर भी जीवन वृत्त
किस प्रकार महाराज ठाकुर ने धाम को प्राप्त किया। आज कहते हैं सेवा इतना आसान वस्तु नहीं है। आप सोचते हैं कि सेवा भी करें, आपको सम्मान भी प्राप्त हो, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाए, वो नहीं होता है। कि आप जो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वो धाम धनी को रिझाने के लिए कर रहे हैं। उसके बदले में ये सम्मान इच्छा रखते हैं, उसके बदले में हम चाहते सब लोग हमारा नाम, या यदि आप सेवा पूजा या वाणी मंथन या कोई अच्छा कार्य करते हैं और उसके आप इच्छा रखते हैं कि हमारा प्रतिष्ठा हो या हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमने इतनी सेवा किया है तो संसार में हमको राज्य की कृपा से धन की प्राप्ति हो जाए, नौकरी की प्राप्ति हो जाए, शादी बच्चे या दूसरे कोई भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए यदि इच्छा रखते हैं। तो इच्छाएं तो देखिए ये राज्य के हाथ में भी है और हमारे ऊपर करता है, लेकिन सेवा का गलत हो जाएगा। फिर जो है पवित्र साधना है, इसलिए वाणी में कली चुपाई में कहा है अशुभ कर्म निंदा ले जाए, शुभ कर्म नाम ना ले जाए। अशुभ कर्म जो है निंदा से चला जाता है और शुभ कर्म प्रसिद्धि ले जाती है। मान लीजिए हमने कोई अच्छा काम किया है, दान किया, पारायण रखवाया, सेवा किया, लेकिन उसके बाद हम अपने मुख से अपनी प्रसिद्धि करते रहे कि हमने इतना सेवा किया, इतना दान किया, इतना यज्ञ किया, तप किया, तीर्थ किया, जप किया, ध्यान किया हमने इतना, तो ये जो बताने का सारा फल चला जाता है। इस पर बुराई करते हैं, बुराई की जानबूझ के नहीं करते, गलत कार्य हो भी जाए तो उसको हम यदि सब मिलकर हमारी निंदा करेंगे तो वो फल भी ले जाएंगे। इसलिए निंदा कभी भी नहीं करना चाहिए। निंदा करने से सामने वाले का पाप हमारे सिर पर आ जाता है, और अपनी प्रशंसा नहीं करवाना चाहिए। प्रशंसा करवाने से क्या होता है कि हमारा जो पुण्य है वो सामने वाला ले जाता है। इसलिए करें गोप साधन कीजे ते माटे, इसलिए जो है गुप्त रूप से साधना करना चाहिए। गोप साधन करो, किसी को दिखावा नहीं करना चाहिए, ताकि उसका सुख हमारे जीव को प्राप्त हो सके। हम बड़ी मेहनत से प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं आप पछाड़ी ल्याओ छो धन, हम बड़े मुश्किल से पैसा धन कमाते हैं और उसको जो है कुछ हिस्सा सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी दान करते हैं। ऊंचा थावा यानी कि बड़ा बनने के लिए रब्दे लड़ाई वाद विवाद दान करते हैं, वाद विवाद करते हुए बड़ा करते हैं। अरे एरे नहीं रे आवे त्यास जीव ने, जीव के किसी काम नहीं आता है। ले जाए छे बच्चे अभिमान, बीच में से अभिमान आकर के सारा पुण्य का फल खा जाता है। सोचिए साथियों, आपने इतना सेवा किया, जप किया, पूजा किया और सब दिखावा कर रहे सबको, आपके देखिए कोई देख ले तो बात अलग है, लेकिन आप अपने तरफ से आने का प्रयास कर, आपके मन की बना मुझे जाने ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये बहुत बड़ा भक्त है, ये बहुत सेवादार है। जानने से क्या होगा कि जान जाए अपनी तरफ से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे मन में भावना नहीं होना चाहिए कि सब लोग मुझे ऐसा जाने। सेवा के विषय में, साधना के विषय में एक चौपाई और है, दान दया सेवा सर्वे अंगे कीजे ते सर्वे। दान दया सेवा गुप्त रूप से
करना चाहिए कि दो प्रकार की साधना भक्ति हो गई, एक होता सकाम भक्ति और एक होता निष्काम भक्ति। सकाम यानी कि कामना सहित, रोज सुबह शाम राज्य की सेवा पूजा हम कर रहे हैं लेकिन बदले में क्या इच्छा है कि मैं पढ़ाई में पहला आ जाऊं, नौकरी लग जाए, धन प्राप्ति हो जाए, या है ना किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, किसी का विवाह हो जाए, या किसी का यूएस का वीजा लग जाए। ये जो सेवा पूजा जो कर रहे थे आप, एक पवित्र वस्तु थी सेवा पूजा, तो उसमें हमारे निज घर का, निज स्वरूप का, परम धाम का वर्णन है सेवा पूजा में, लेकिन हम उसको साधन बनाए संसारिक उपलब्धि का। और फिर क्या होगा, इच्छा पूरी हो गई तो भी आप सेवा पूजा छोड़ सकते हो, और इच्छा नहीं पूरी हुई तो भी छूट जाएगी सेवा पूजा। तो राज्य को जो है प्रेम चाहिए, प्रेम, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ से क्या होगा कि जितना आपने किया है उतना ही आपको मिलेगा, लेकिन निस्वार्थ में आप जो बिना आपके कर्म के भी राज्य कृपा करके आपको बेशुमार देंगे, विश्वास रखिए, बिना मांगे देंगे आपको, और आपको बहुत ज्यादा देंगे। संसार में चाहता है कि लोग होते दृष्टांत हैं, एक भिखारी, भिखारी क्या करता है, मेहनत नहीं करता, केवल बोलता है 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, मेहनत कुछ भी नहीं करना चाहता। तो उसको क्या होगा कि बोले कि मेरे को सारा शरीर तो अच्छा खासा है, फर्स्ट पुष्ट है, तो मेहनत क्यों नहीं करता। आगे प्रार्थना पे हैं हम यदि मेहनत नहीं करें, मतलब सत्कर्म नहीं करें, न सेवा पूजा करें, न मंत्र जप करें, न उपवास रखते हैं, न कुछ भी ऐसा मतलब पुण्य कर्म सकाम कर्म नहीं करते हैं, और केवल सुख की इच्छा रखते हैं, तो केवल प्रार्थना से कभी सुख नहीं मिलता है। यदि सिर्फ प्रार्थना से सुख मिलता तो लक्ष्मी जी की पूजा सारी दुनिया करती है कि नहीं करती। सारे लक्ष्मी जी करते हैं और मुसलमान तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धनवान कौन है? जो पूजा नहीं करते वो सबसे ज्यादा धनवान है। इसमें पूजा लक्ष्मी जी से मतलब नहीं, मात्र पूजा या प्रार्थना करने से इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए भर्तृहरि ऋषि कहते हैं कि संसार में सुख चाहिए तो पुण्य करो, बिना पुण्य के सुख नहीं मिल सकता। इसको बोलते हैं दूसरा कर्म फल मार्ग, यानी कि मजदूर। एक भिखारी था, दूसरा मजदूर, तीसरा शिक्षित व्यक्ति, और चौथा पत्नी। चारों में बेसिकली अंतर में समझा रहा हूं, वही अंतर यहाँ धर्म में भी होता है। मजदूर जो है वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, अपनी मेहनत का कमाता है। तो भीख मांगना अच्छा है कि मजदूरी करना अच्छा है? साथियों विचार करिए, भीख मांगने से अच्छा है मजदूरी करना, लेकिन मजदूरी से भी अच्छा है पढ़ाई लिखाई करना। मजदूर सुबह से शाम तक के मेहनत करता है, गड्ढा खोदेगा, ईंटें उठाएगा, सीमेंट की बोरियां उठाएगा, सुबह से शाम तक कितनी कठिन मेहनत के बाद उसको क्या मिलेगा, 200-300 रुपए, मजदूर की बात कर रहा हूं मैं। और इससे ऊपर जो मिस्त्री होते हैं उनको 500-600 रुपए मिलेगा। जबकि एक पढ़ा लिखा आदमी है, शिक्षक टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब में है, आराम से बैठे बैठे एकदम कम मेहनत का कार्य है, दिमागी कार्य है, उसको जो है एक दिन में 3,000 से लेकर के 50,000 तक भी मिलता पेमेंट। और आराम से उसको बोलो कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति को भाई आगे उठा ले, वो उठा। और मजदूर तुम ईंटें उठाने का काम छोड़ो, आप थोड़ा सा पढ़ाई करो, तो बोलेगा देख मेरे बस की बात नहीं है पढ़ाई करना। पूरी करना जो वही जो है बस की बात। तो क्या कहे, दुनिया वाली आज स्थिति यही है,
दुनिया वाले बोलो कि मत्था टेक लो, मत्था टेक लेंगे, जब तप कर लो वो कर लेंगे, पदयात्रा कर लो बोलेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन ज्ञान समझना दुनिया वालों की बस की बात आज नहीं दिखती है। तो फिर भी यदि जो सुख चाहता है, संसारिक सुख, तो कर्म फल मार्ग में क्या कर सकते हैं, आप जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, पारायण कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको संसारिक इच्छा तो पूरी होगी लेकिन राज्य नहीं मिलेंगे। तो राज्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए तीसरा और चौथा मार्ग होता है। तीसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग, पढ़े लिखे व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति। गीता का कथन है, ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह न ही विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। प्यारे साथियों, बीच में मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शिविरार्थियों ने अपना वीडियो बंद कर रखा है, पर्दे के पीछे वो करे हैं, ध्यान से सुन भी रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं चल पा रहा है, और इसलिए निवेदन करूंगा कि भी आपका वीडियो ऑन रखें और आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं मुझे पता चल सके। तो मैं क्या कह रहा था कि शिक्षित व्यक्ति, ज्ञान जिस प्रकार सामाजिक जीवन में शिक्षा का महत्व है, आध्यात्मिक जीवन में भी, धर्म में भी ज्ञान का महत्व है। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं, गीता का कथन है। गीता में एक और श्लोक आता है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। पाप करके पुण्य करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होगा, और पुण्य करके पाप करेंगे तो भी पुण्य और पाप नष्ट एक अलग अलग चीजें हैं। पाप का फल अलग से भुगतना पड़ता है, पुण्य का फल अलग से भुगतना पड़ता है। हम सब महाभारत के विषय में थोड़ा तो जानते ही होंगे, पांच पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने जीवन में इतना सत्कर्म किया था कि उनका नाम ही बढ़ गया धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर नाम पड़ गया। देखिए, धर्मराज नाम या तो यमराज का है या तो युधिष्ठिर को ये शोभा मिली है, और किसी को आज तक के धर्मराज की शोभा नहीं मिली। युधिष्ठिर ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी अधर्म नहीं किया, असत्य आचरण नहीं किया, लेकिन महाभारत युद्ध में एक बार मजबूरी आ गई, द्रोणाचार्य का वध नहीं कर पा रहे थे, द्रोणाचार्य को रोकना मुश्किल हो गया था, तो उनका सुपुत्र अश्वत्थामा को के विषय में झूठ बोल करके द्रोणाचार्य को मारा गया। तो उस समय युधिष्ठिर ने एक छोटा सा झूठ बोला, अश्वत्थामा मारा गया चाहे मनुष्य है चाहे हाथी हो। तो बात तो सच बोला था, लेकिन मनुष्य चाहे हाथी हो, हाथी को तो मारा था, एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम ने मारा था जरूर, लेकिन इसमें क्या था, घुमावदार बात कहा, इस कारण इसको भी झूठ आ गया। और ये सब मिल करके भी पाप को नहीं करते साथियों, इस छोटा सा पाप के लिए उन्हें थोड़ा देर नरक जाना पड़ा और उसके बाद वो स्वर्ग जा पाए। सोचिए, एक छोटा सा पाप को भी, युधिष्ठिर ने पहले भी इतना पुण्य किया, सत्कर्म किया, बाद में भी इतना दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ किया, तप किया, जप किया, सब किया, लेकिन फिर भी एक छोटा सा पाप नहीं काट सके। और हम सोचते हैं कि जीवन भर पाप किया है, चलो बुढ़ापे में पारायण रख दो, ये तीर्थ करके आ जाओ। तरीका है साथियों ज्ञान। प्राणनाथ जी ने ऐसा सरल तरीका लाया है, ब्रह्मवाणी, सब कर्म काटे हक इलम सो, सारे कर्म बंधन इस ब्रह्मवाणी के द्वारा कट जाते हैं, धाम धनी का सुख प्राप्त होता है इस वाणी के द्वारा। श्री महामत कहे सुनो साथ, खोल वाणी प्राणनाथ जी लाए, जिनसे न्याय हो जो पढ़ेगा हम धनी कर्णों से वो कभी भी दूर हो सकता नहीं है। साथियों, एक खास तौर पे शहरों में रहने वाले जो भौतिकवादी सुख सुविधाओं से युक्त सुंदर साथ हैं, उनका ज्यादातर कहना होता है कि हम तो दिल से राज्य को याद कर लेते हैं,
शरीर से क्या फर्क पड़ता है? राज जी को हम दिल से याद कर लेते, शरीर से सेवा पूजा की जरूरत नहीं है, शरीर से जप तप ध्यान की जरूरत नहीं है, शरीर से वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या शरीर से ध्यान चितवनी करने की जरूरत नहीं है, हम तो दिल से याद कर लेते हैं। तो अच्छा है कि दिल से भी अच्छा हो, घर कितना टेंशन खत्म हो जाता है, ना किए कुछ नहीं मिलता और किया हुआ कभी देता। आपने जो कुछ भी किया है एक बार चंदनी भी बोला है वो भी व्यर्थ नहीं जाता है, और आप इच्छा है तो राज्य आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे साथियों, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अच्छे कर्म तो करना पड़ेगा ना। सेवा पूजा सुबह शाम नियमित रूप से कीजिए, मेहर सागर का पाठ कीजिए, तारतम का जप कीजिए, ध्यान कीजिए, इससे क्या होगा कि आपके अंदर खुद के अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि आप दूसरों की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। नियमित रूप से सेवा पूजा करने वाले ऐसे कई सुंदर साथ हैं जो कि मुख से जो बोल देते हैं, मैंने देखा है जो मुख से बोलते हैं वैसा हो जाता है। तो राज जी की वाणी में बड़ी शक्ति है सुंदर साथ जी। साथियों आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, आपका दुख अवश्य दूर होगा, पर इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए आप चाहो तो राज जी का प्रेम का मार्ग अपना सकते हैं, जो कि चौथा मार्ग मैंने बताया था पत्नी, चार मैंने बताया था देखिए भिखारी, मजदूर, शिक्षित व्यक्ति और पत्नी। पत्नी जो है से तात्पर्य पतिव्रता साधन। पत्नी एक ऐसी उदाहरण है, मिसाल है सबके घरों में, 24 hours, 7 days और 365 days उनका ड्यूटी रहता है, बदले में कोई पेमेंट नहीं, नो पेमेंट, लेकिन वो घर की मालकिन वही है, उसके बिना घर नहीं चल सकता। निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ से आप निस्वार्थ रूप से राज जी को याद करते रहेंगे तो आपको वो चीज प्राप्त होगा जो कभी भी सकाम भक्ति करने वालों को नहीं मिल सकता, चाहे वो कितना ही तपस्या कर ले, कितना ही जप कर ले, कितना ही भक्ति कर ले, उसको वो वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है जो कि निष्काम भक्ति में, प्रेम में वो ताकत है। प्रेम ऐसी भांत सुधारे, और बैठे पार उतारे। देखिए पत्नी एक पतिव्रता साधन क्या होता, देखिए पत्नी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े नहीं ला, अच्छा अच्छा खाने के लिए भोजन न देता हो, यदि झगड़ा भी करता हो तो भी पत्नी अपने पति से कोई भी इच्छा ना करे, अपने मुख से ना कहे कि मुझे ये वस्तु ला के दो, ये है पतिव्रता साधन। पत्नी को कितना भी दुख हो लेकिन पति का प्यार दिल से कम ना हो, ऐसे भारत में कितनी सारी पतिव्रता सती स्त्रियां हुई हैं, आपने शायद सुना भी हो, सती अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, अपने तप के बल से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया। तो ऐसी सती स्त्रियां सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से सती और पतिव्रता स्त्रियां थी, और हमारा पतिव्रता धर्म आत्मिक है, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दो, आत्मिक रूप से हम सभी समान हैं। तो सभी को पतिव्रता साधन क्या है, राज्य को प्रेम करना, राज्य का प्रेम सुख हो या दुख हो कभी भी कम नहीं होना चाहिए, राज्य का प्रेम, राज्य के प्रति विश्वास हमारे दिल में बना रहना चाहिए। तो इसलिए प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं कि ये ज्ञान और प्रेम का समन्वित मार्ग है निजानंद संप्रदाय, अंधभक्ति भी नहीं है, क्योंकि प्रेम भी संसार में बहुत सारे भक्तजनों को हुआ है। मीराबाई सूरदास अपने नाम सुना होगा, और ऐसे अनेकों भक्तजन हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रेम करते थे अपने इष्ट से, निष्काम भक्ति किया था इन्होंने, लेकिन ज्ञान न होने से इनका लक्ष्य नश्वर जगत के अंतर्गत रह गया, निराकार नश्वर जगत से परे परमात्मा का ज्ञान नहीं होने से वो लक्ष्य नहीं बना सके। इसका छोटा सा उदाहरण समझ सकते हैं, आज से 25-30 साल पहले आपके घर जो भी मम्मी पापा हैं, बड़े लोग हैं, उनसे पूछिएगा कि आपने कभी अमेरिका जाने की इच्छा किया था, बोलेंगे हमने कभी इच्छा नहीं किया अमेरिका जाने का,
और आज प्रत्येक युवा, प्रत्येक बच्चे की दिल की इच्छा है कि हम भी काश अमेरिका चले जाएं, कम से कम ऑस्ट्रेलिया नहीं तो यूएई, कम से कम इंग्लैंड, ब्रिटेन, कहीं तो विदेश जाएं। हमारी सबकी इच्छा आज के समय में हो जाती है क्योंकि हमको ज्ञान हो गया वहां का। परम धाम का जब तक ज्ञान ही नहीं है तो उसकी इच्छा कौन कैसे कर सकता है। तो इसलिए निजानंद संप्रदाय का जो मार्ग है ज्ञान और प्रेम, ये जो ब्रह्मवाणी है, तारतम ब्रह्मवाणी, कोई कहेगा कि ज्ञान की क्या जरूरत है, हम तो बस प्रेम करते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि प्रेम जो है बिना पहचान के नहीं आता है। तोलो इश्क ना उपजे पूरा, जोलो हृदय ना देवे साख। प्रेम जब तक पहचान नहीं होगी तब तक कैसे आएगा। और ये ब्रह्मवाणी जो है, तारतम ब्रह्मवाणी, हम सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए आई है। तो तारतम ब्रह्मवाणी पढ़ने से हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, तारतम ब्रह्मवाणी से अपने निज स्वरूप की, निज घर की पहचान होगी, और परमधाम के 25 पक्ष में हमारा जो वास्तविक जीवन है, एक्चुअल लाइफ है हमारा, ये हमारा एक्चुअल लाइफ नहीं है साथियों, ये हमारा एक्चुअल फैमिली नहीं है, ये हमारा एक्चुअल रूप या स्वरूप या नाम नहीं है। ये परम धाम में हमारा परिवार है, राज्य वो हमारा परिवार है, वो हमारी डिवाइन फैमिली है, आत्मिक फैमिली, आत्मिक परिवार है। यहाँ का जो परिवार है वो हर जन्म में बदलता रहता है, लेकिन परम धाम का परिवार जो है वो कभी बदलता नहीं है। श्याम सामनाथ जी, राज्य सामाजिक सखियां बहुत प्रेम से, आनंद से वहां रहते हैं, वो हमारा निज घर है, उसका विषय अगले आने वाले सेशन में लिया जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर अपना विषय समाप्त करता हूँ। तो जो भी शिविरार्थी भाई बहन प्रश्न जिज्ञासा करना चाहते हैं, बीच में किसी शिविरार्थी ने हाथ खड़ा किया तो वो अपना प्रश्न कर सकते हैं, दोबारा हाथ खड़ा करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें की बात नहीं है। जिज्ञासा से ही पता चलता है कि आपने कितना ध्यान से सुना, समझने का प्रयास किया। अभी तक में सुने होंगे श्री देवचंद जी ने कांजी भट्ट से हमेशा प्रश्न करते थे, तो प्रश्न एक जरूरी चीज है। जो भी शिविरार्थी प्रश्न करना चाहते हैं इस विषय में, और बीच में एक शिविरार्थी ने सेकंड प्रश्न किया था, मैं वो कौन थे मुझे याद नहीं है, तो जो भी थे वो दोबारा प्रश्न कर। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, प्रणाम जी, मलकी की सूरत दोबारा बता दीजिए। बसरी, मलकी और हकी सूरत। बसरी अरब में जो मोहम्मद साहब के रूप में धामधनी आए थे उसको बसरी सूरत कहते हैं। मलकी सूरत श्री देवचंद जी, श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी को कहते हैं, और हकी स्वरूप महामती जी मिहिराज ठाकुर में जो धामधनी आए उन्हें हकी सूरत कहते हैं। तीनों तीन सन हैं, लेकिन तीनों के अंदर वही धामधनी आए थे, इसलिए इनको तीन सूरतें कहते हैं, मोहम्मद की तीन सूरतें। तो प्रणाम जी, प्रणाम जी, तो डिटेल्स में आगे प्रयास किया जाएगा व्याख्या करने का, अभी शॉर्ट में बता दिया गया है जी। और कोई शिविरार्थी यदि प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं, बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रश्न कर सकते हैं, पूरा छूट है आपको। तो अब मैं अपेक्षा जी से पुनः निवेदन करूंगा, एक दो चुपाई का भाव रखते हुए आज की सभा का समापन करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। देखत निस्बत अपनी मेरी रोहत आँखा को, देखत निस्बत अपनी मेरी रोहत आँखा को, ते तेरे कानों सुने, गुजरात
तेरे कानों सुने हक बका के बोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी निज में तो खड़ी कहाँ है तेरा वतन, निज में तो खड़ी कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो आँखा खो, कौन मिलावा तेरा सर तू बिछुरी क्यों कर, कौन मिलावा तेरा सर तू बिछुरी क्यों कर, तो ही याद न आवही, तो ही याद न आवही जो ते सुना नहीं दिल धरे, जो ते सुना नहीं दिल धरे, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो आँखा खो, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो आँखा खो, ते तेरे कानों सुने, ते तेरे कानों सुने हक बका के बोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो आँखा खो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की जय। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी साथियों, बहुत अच्छा किरणदान का भाव रखा पीक्षा जी ने। तो कल 6 बजे ठीक उससे 5 मिनट पहले ही सभी ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे। और पुनः मैं सबको सूचना देना चाहता हूं कि शिविर के लास्ट में आप सबका ऑनलाइन एग्जाम भी होने वाला है और आप सबको सर्टिफिकेट भी दिए जाने का प्रस्ताव है। तो सभी शिविरार्थी सुंदर साथ भाई बहने नियमित रूप से आएंगी और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार रखेंगे, लिख करके उसको याद रखने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम के समय में आप भूल ना जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुबह समाप्त किया जाता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी।